मैं आपको ये ऑफेंडर का पार्ट बता दूं कि गलती से आप कभी गलती ना कर बैठना, गलती से गलती, ताकि आप फिर किसी अपराध का शिकार ना हो, बट आप किसी अपराध का अपराधी बन जाओ गलती से। कभी भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप पे कोई ऐसी चीज पोस्ट ना करें जो इनअप्रोप्रिएट है, गलत है। एक पहले धारा होती थी, उसको भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने हटा दिया है, वो धारा थी 66A आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66A, उसमें लिखा था कि आप किसी कंप्यूटर रिसोर्स से या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस से कोई भी ऐसी चीज ट्रांसमिट करोगे जिससे दूसरे व्यक्ति को बहुत बुरा लग जाए तो आप एक अपराध कर रहे हो, उसमें 3 साल की सजा थी, है ना। तो वो लोग बहुत बुरी बुरी चीजें लिखते हैं, बहुत परेशानी होती है लोगों को, वो अलग बात है, बट इसका दुरुपयोग भी कभी कभी हो रहा था इस धारा का, बिकॉज इसका स्पष्ट मीनिंग नहीं था कि आप बहुत बुरा लग जाए। जैसे एक शिवसेना का केस हुआ था, आपने जानते हो, बाल ठाकरे के निधन के बाद, है ना, 2 लड़कियां जेल चली गई थी। वो एक लड़की ने क्या लिखा था, 18 साल की लड़की ने लिखा था कि लोग तो रोज मरते हैं, आज ये मर गया, पूरा मुंबई बंद हो गया, हमें बहुत तकलीफ हुई, उसने इतना लिखा था। दूसरी लड़की ने उसको लाइक किया था और दोनों जेल चली गई। क्यों? क्योंकि शिवसेना के लोग थाने पे आए, उन्होंने बोला कि भैया आपके लिए तो शायद वो कोई नहीं थे, बट हमारे लिए तो वो भगवान थे, तो आपने हमारे भगवान के बारे में ऐसी बात बोल दी, हमें बहुत बुरा लग गया। वेरी राइट, लॉ के मुताबिक वो बात भी सही थी, तो वो बेचारी बच्ची जेल चली गई। उसके साथ वो लाइक करने वाली क्यों जेल चली गई, ये बताइए। एक ने उसको लाइक किया था, समर्थन, सपोर्ट नहीं, समर्थन नहीं किया था। तो लाइक क्या होता है, लाइक इट मीन्स जैसे आप किसी कमेंट को लाइक करते हो तो वो कमेंट आपके वॉल पे दिखता है और आपके फ्रेंड्स के वॉल पे भी दिखता है, तो आपने उस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाया। तो उसमें लिखा है आप किसी चीज को ट्रांसमिट करोगे तो जिससे दूसरे को बुरा लग गया, तो आपने भी उस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाया, इसलिए वो भी गई। तो इसलिए कोई भी ऐसी चीज कभी लिखना नहीं, कभी लाइक नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, शेयर नहीं करना जो इनअप्रोप्रिएट हो। वो धारा तो चली गई। एक देखिए, ये भी देखिए, इंदौर, ये एक केस है, पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह को फेसबुक पर पैरेट कहने पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, है ना। एक उनमें अकाली विधायक के पीए और 2 NRI शामिल है, मामला मंत्री के बेटे ने दर्ज कराया है। तो मेरे पिताजी का नाम है तोता सिंह, तो तोता को तो इंग्लिश में पैरेट ही बोलते हैं, बट मेरे पिताजी तोता तो है, पैरेट नहीं है, आपने पैरेट बोल दिया तो मेरे को बहुत बुरा लग गया। रह भी सकता है, आपका मर्जी। तो बड़ा लूजली वर्डेड था उसका। ऐसे इंदौर में केस था, एक लड़की, एक भवनपुर थाने में रजिस्टर हुआ, एक लड़के ने एक लड़की को SMS कर दिया आई लव यू, तो उस लड़की को तो ज्यादा बुरा नहीं लगा, उसके फादर ने पढ़ लिया तो उसके फादर को बहुत बुरा लग गया, तो उसने फादर ने जाके थाने में शिकायत कर दी भवनपुर में, तो उसके खिलाफ, बच्चे के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया, वो लड़का जेल भी चला गया और उसकी को सजा भी हो गई। कैन यू इमेजिन, बिकॉज वो तो प्रूफ है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल से दूसरे के रजिस्टर्ड मोबाइल में लिखा है, यू कांट यू डिनाई इट। अगर मैं इनको कुछ गलत बात बोल दूं तो इनको अगर प्रूफ करना है कि मैंने बोला है तो इनको 2-4 गवाह चाहिए होंगे ना कि मैंने बोला, नहीं तो कुछ भी बोलते रहे। बट अगर वही चीज मैं इनको SMS कर दूं तो फिर इनको कोई गवाह चाहिए क्या, कोई नहीं चाहिए, है ना। सो वो बेचारा जेल भी चला गया। तो इसका दुरुपयोग भी हो रहा था एक तरीके से, आप बोलो तो। इसलिए इस माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको अभी हटा दिया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अभी ऐसी धाराएं नहीं है, बहुत धाराएं हैं, ये धारा तो चली गई, बट बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें अगर आप कुछ गलत चीज लिखोगे, बोलोगे, तो उसकी कार्रवाई हो सकती है। धर्म के खिलाफ बोलोगे किसी के, वो 153A है, तो आप जेल जा सकते हैं उसमें। अगर आप किसी को गाली गलौज करोगे, 294, ये सब धाराएं हैं IPC के। अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी दोगे, इंटीमिडेशन बोलते हैं, क्रिमिनल इंटीमिडेशन, 506 धारा है। अगर आप किसी महिला का अनैतिक चित्रण करोगे तो आपके खिलाफ तो पूरा अधिनियम है, महिला का नैतिक चित्रण अधिनियम। तो ऐसा मत सोचिए या कोई भी सोचे कि भाई अब तो वो धारा हट गई तो हम कुछ भी लिखे, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। अभी बहुत धाराएं हैं, कार्रवाई हो सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत चीजें होती है, कर्फ्यूज लग जाते हैं, लोग मर जाते हैं, कई चीजें होती हैं अगर आप ऐसे कमेंट्स करो। ये खंडवा का केस था, ये कर्फ्यू लग गया था, उसमें किसी एक फेक प्रोफाइल बनाई किसी की फेसबुक पे, एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी, फोटो लगाई, वहां दंगे हो गए, 2 लोगों की जान चली गई, 15 दिन कर्फ्यू रहा, बहुत परेशान हुए लोग। हमने जब फेसबुक को लिखा कि इसके IP address बताइए, तो फेसबुक ने वापस हमको लिख के भेजा कि ये हमारा सर्वर यूज नहीं हुआ है, जो भी था उसने थोड़ा ज्यादा चलाकी करी, उसने प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से उसने यूज किया था। प्रॉक्सी सर्वर, आपको मालूम होगा, कहीं को अब समझाऊंगा तो लंबी बात है, प्रॉक्सी सर्वर मीन्स एक रास्ता होता है, एक दूसरा रास्ता उसी अंत तक जाने के लिए प्रॉक्सी होता है। तो प्रॉक्सी कभी कभी जानकारी नहीं देते हमें, बिकॉज वो शेडी भी होते हैं, पर हमने उस प्रॉक्सी को लिखा, उन्होंने जानकारी दी और एक हमें IP address मिला, वो व्यक्ति को गिरफ्तार किया, वो खंडवा का ही रहने वाला था और उसने ये उन्माद फैलाने के लिए किया था।